और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, कल से सत्र शुरू हो गया है मानसून सत्र, और सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आज भी सत्र हंगामेदार रहने का आसार है, क्योंकि लगातार कई मुद्दे हैं जिसके कारण चौतरफा घिरी दिखाई दे रही है योगी सरकार। दुर्गेश जी, बिल्कुल है, जिस तरह से मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है, वो पहले दिन ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष तमाम हंगामे कर चुका है। कहीं ना कहीं आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ हंगामे के आसार आज दिन भर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अधिसूचनाएं और संकलन तमाम चीज़ आज पटल पर रखी जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा लाइन ऑर्डर रहा है यूपी में, और यही वजह है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना के कल से ही सदन में हंगामा कर रहा है। चाहे घटना की बात की जाए, चाहे सोनभद्र की बात की जाए, या शामली के संभल की बात की जाए, तो ऐसे में जो लगातार कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा है। जी, कौन कौन से आज मुद्दे हैं, कौन कौन से आज बिल हैं जिसको आज पेश कर सकती है सरकार? दुर्गेश जी, अभी सूचनाएं हैं, तमाम और चीजें हैं जो पटल पर आज मानसून सत्र में रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन ये भी है कि देखिए, जिस तरह से सत्र की पहली शुरुआत से ही विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने हंगामे करने की तैयारी कर रहा था, और जिस तरह से उन्होंने हंगामा भी किया, जैसा कि आज भी ऐसा आसार देखने को मिल सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को विपक्ष घेर सकती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए उमेश।